तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारा रूम था। अभी हम सिंगापुर से मलेशिया जाएंगे बाय बस। देखो ये हमारे एयरपोर्ट। वैसे सिंगापुर से मलेशिया सीधी फ्लाइट भी जाती है, पर हमने बस करवाई है। बस क्यों करवाई है? क्योंकि बस की टिकट हमें बहुत सस्ती पड़ रही थी, मतलब फ्लाइट टिकट से लगभग 8,000 सस्ती पड़ी है हमें। तो आप दोनों ऑप्शन देख लें कि आपने बाय एयर जाना है या बाय बस जाना है, क्योंकि बाय एयर हमारे पास एक लगेज भी था 20 किलो का, जिसके कारण हमें टिकट बहुत ही महंगी पड़ रही थी। तो हमने बस की टिकट करवा ली, जो जहाँ से इजीली मिल जाती है, अवेलेबल होती है, तो आप एडवांस में करवा सकते हो। तो अभी हम बस लेने के लिए निकलने जा रहे हैं। बस 5 मिनट रह चुके हैं, तो मिलते हैं आपको, दिखा देंगे बस कैसी होती है। तो गाइस बस हमारी आ चुकी है। गाइस अभी हमने चेकआउट कर लिया है सिंगापुर से। अभी मलेशिया के लिए मलेशिया की तो अभी मलेशिया के लिए जा रहे हैं हम। इमिग्रेशन होगी अभी हमारी, फिर उसके बाद मलेशिया के अंदर एंटर करेंगे, वहाँ से बस पकड़ेंगे और नेक्स्ट स्टेशन के लिए जाएंगे। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हमने बस चेंज की, उन्होंने हमें और बस में बिठा दिया जिसकी टिकट हमने बुक की थी, जिसकी सीट बहुत ही अमेजिंग थी, दिखाते हैं आपको। अभी हम बस में बैठ चुके हैं। जो बस की सीट है वो बहुत ही अच्छी है यार, मसाजी ऑप्शन भी है जहाँ बस में। ये देखो, तो आपके जो बैक है ना, वहाँ पर आपको मसाज फील होगी, और इसमें यहाँ पर तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। ये देखो, यहाँ से आप ऊपर करेंगे, प्रेस करेंगे तो ऊपर होगा, तो अब प्रेस करेंगे तो नीचे होगा। तो बहुत ही अमेजिंग सीट है यार, एरोप्लेन से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये बता दें कि हमारी इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है, अभी हम सीधा कुआलालंपुर जाएंगे। ये सभी वेट कर रहे हैं अभी बस की, जिनकी इमिग्रेशन क्लियर हो रही है वो बस में बैठता जा रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलने जा रहे हैं। सिंगापुर से मलेशिया की टिकट हमें 3,000 से 4,000 के बीच में पड़ी थी, जिसने हमें 4 से 5 घंटों में मलेशिया के अंदर हमें एंटर करवा दिया था। तो फाइनली गाइस हम मलेशिया के अंदर आ चुके हैं। मलेशिया में हम हैं कुआलालंपुर की सिटी में। तो ये यार बहुत अमेजिंग है, जहाँ पर तो बिल्डिंग सिंगापुर से भी बहुत ज़्यादा ऊँची हैं, और सफाई तो यहाँ पर सेम ही है, मतलब जितने सिंगापुर में थी उतनी सफाई है। काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है सिंगापुर से, सिंगापुर में थोड़ा कम था। तो अभी आपको मलेशिया दिखाएंगे भाई, आपको यहाँ पर मलेशिया में ट्रेन दिखा दें। अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है ऐसे। तो बिल्डिंग तो यार बहुत ही ऊंची है। अभी हमें बस यहाँ पर छोड़ के गई है, तो अभी हमने टैक्सी की है रूम तक जाने के लिए। तो यहाँ के 500 रिंगट की हमने टैक्सी की है। ये हम यहाँ से निकलेंगे, रूम में जाके मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं, कोई अगर टाइम होगा तो एक अच्छी लोकेशन पे लेके जाएंगे आप। तो गाइस अभी हम अपने रूम में जा रहे हैं। ये हमारी बिल्डिंग है, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। ओके बाय बाय बाय। समा समा। तो अभी हम जा रहे हैं भाई रूम में। रूम में आ चुके हैं।
रूम दिखाता हूँ मैं आपको। क्या बात है, ये देखो बीच में ही किचन है, फ्रिज, ये वही बेड हमारे, ये ऊपर नीचे ये सिटिंग एरिया है, ये है, और ये है हम, और बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। बाहर का व्यू भी यार अमेजिंग है, देखो आप, तो गाइस जो हमें रूम के साथ मिला है पूल वो दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये है हमारा जिम और ये हमारा पूल। क्या बात है, आवाज है अमेजिंग यार। तो ये बिल्डिंग्स है, यार बहुत ही अच्छा व्यू है हमारे जो रूम का पूल है वहाँ से। तो ये लेफ्ट साइड है हमारी पूल की, तो अभी हम मॉल की तरफ से जा रहे हैं, थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करके उसके बाद वापस आके रेस्ट करके कल नेक्स्ट वेकेशन के लिए निकलेंगे। तो गाइस जहाँ पर मॉल में हम जा रहे हैं उसका नाम TLCC टावर है, तो ये ट्विन टावर के बिल्कुल नीचे है। इसके साथ ही वो ट्विन टावर, और इंडियन बहुत है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, खासकर तमिल, तमिल बहुत। तो हर स्टोर में यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है, वहाँ से आप कौन सी लोकेशन पे जाना है सर्च कर सकते हो, तो वो पूरा मैप आपको गाइड कर देगा। जैसे तो ये यहाँ की लोकल मार्केट है, मतलब सेल टाइप है ये, यहाँ से सामान सस्ता मिल जाएगा आपको। ये है लुलू मॉल, तो ये है बैंक यहाँ के, जैसे हमारे इंडिया में बेस्ट प्राइस है, मेट्रो है, तो ऐसे ही ये वाली सुपरमार्केट है यहाँ पर। तो ये है भाई एंट्रेंस गेट, ये इसके साथ प्राइस भी है। हर चीज़ है यहाँ पर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, जो भी हम डेली यूज़ का सामान है सारा यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस अभी हमने लुलू मॉल से शॉपिंग की है, ये तो कुछ हमने खाने का सामान लिया है, तो अभी रात भी बहुत हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत डिनर का भी लिया है हमने सामान। तो यहाँ पर लुलू मॉल में दो क्वालिटी थी, एक मतलब घटिया क्वालिटी थी, एक बढ़िया क्वालिटी का सामान था, तो आप देख के अपने हिसाब से ले सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं रूम में, उसके बाद रेस्ट करेंगे।